हेलो दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट दे दूं आपको। इंडिया में फ्री फायर गेम बैन हो रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला लिया है कि 54 ऐसे ऐप हैं जो कि आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं, और डेटा जब चोरी होता है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। वही एक्शन फ्री फायर के साथ में लिया गया है। अब इस पर दिक्कत उन्हें होगी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, फ्री फायर खेल कर लाइव स्ट्रीम करते थे, फ्री फायर खेलते हुए उन सभी को दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी अर्निंग, उनके जो पैसे कमाने का जरिया है वो बंद हो जाएगा। उनके लिए ये सैड न्यूज है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि आपके डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये न्यूज बहुत अच्छी न्यूज है कि भैया अब चलो ये गेम भी बंद हो गया। लेकिन जब कोई किसी भी गेम को बंद कर दिया जाता है, उसका क्रेज पहले वाला नहीं रहता है। पहले का क्रेज मतलब जैसे टिकटॉक आया था तो उसका क्रेज बहुत था, लेकिन टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद पबजी बैन हुआ। पबजी जब तक बैन नहीं हुआ था तब तक बहुत लोग खेलते थे, पबजी बैन होने के बाद वो क्रेज नहीं रहा। पबजी दोबारा आया लेकिन ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। वही सेम सिचुएशन हो जाएगी फ्री फायर के साथ में। फ्री फायर के साथ अभी तक बैन वर्ड नहीं ऐड हुआ था, लेकिन अब बैन वर्ड ऐड हो रहा है तो फ्री फायर भी अब ज़्यादा क्रेज वाला नहीं रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे गेम डाउन हो रहे हैं, कुछ ऐसे गेम जो कि आपकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। घर के पेरेंट के पेरेंट बोलते हैं भैया इसे बंद कर दे, मत खेल, काम कर ले, पढ़ ले, लिख ले, लेकिन नहीं मानना, चलो हम तो फ्री फायर खेलेंगे। तो उनके लिए भी, उनके मम्मी पापा के लिए भी ये न्यूज़ ठीक है, लेकिन जो खेलते हैं उनके लिए ये न्यूज़ नहीं ठीक। आपको इस फ्री फायर गेम बैन होने से क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है और क्या फ़ायदा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।